नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जतिन कोठारी है। मैं बम्बई में नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। और जैसे आपने बताया, लास्ट 6 से 7 साल से मैं नून हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे साल में 1 या 2 बार आकर के किडनी मरीज़ जो हैं यहाँ के एरिया के, उनको निःशुल्क हम किडनी कैंप में ज़रूर देखते हैं। अंदाजन आज हमने 50 पेशेंट देखे हैं ओपीडी में। ये ज़्यादातर डायलिसिस पेशेंट्स हैं या जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से, किडनी की बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, उनको यहाँ आज हमने फ्री कंसल्टेशन दिया है। और ये करने का उद्देश्य यही है कि लोगों में किडनी के प्रति थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा हो, किडनी की बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, किडनी की बीमारी को हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें और ताकि उसको आगे बढ़ने नहीं दें। और जो डायलिसिस पे मरीज़ हैं उनको भी रेगुलर चेकअप और उनका ब्लड टेस्ट वगैरह देख करके उनकी दवाइयों में जो चेंज करना पड़ता है वो सब करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि हर साल वर्ल्ड किडनी डे ये मार्च के दूसरे हफ्ते में सारे दुनिया भर में मनाया जाता है। जो वर्ल्ड किडनी डे का ये टाइम उद्देश्य ये है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल, मतलब किडनी की बीमारी से लोगों को बचाया जा सके और जो किडनी के मरीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट दे सके, यही उद्देश्य से वर्ल्ड किडनी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ नून अस्पताल में। और किडनी के लिए हमने जो डायलिसिस सेंटर यहाँ नून हॉस्पिटल में चालू किया है, आखिरी 6 साल से ये डायलिसिस के मरीज़ को अच्छे से अच्छी सुविधा इवन ऐसे रूरल एरिया में भी देने की कोशिश है। ये हम एपेक्स किडनी केयर के साथ पार्टनरशिप में यहाँ डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं और इससे हज़ारों लोगों को जिनको डायलिसिस की ज़रूरत थी उनको स्टेट स्कीम से, जो अपनी चिरंजीवी स्कीम है, उसमें डायलिसिस की फ्री सेवा दी जाती है और हर पेशेंट को हफ्ते में 2 या 3 बार जिस हिसाब से उनको डायलिसिस की ज़रूरत हो वो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ की डायलिसिस का जो इलाज है वो कोई भी बड़े अस्पताल या कोई भी बड़े शहर में के कंपैरिजन में उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे हम नून अस्पताल में पेशेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।
टॉपिक को लेकर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? आज हमने जो डायटिशियन के साथ एक जूम कॉल किया था, सारे पेशेंट्स को हमने एक डाइट की अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम रखा था, जो हमारे डायटिशियन बम्बई से जिल पारेख, उन्होंने करीब आधा से पौना घंटा हर पेशेंट को समझाया कि किडनी के मरीज को क्या क्या डाइट में ध्यान रखना है, खास करके नमक का इंटेक, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग नमक खाते हैं, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनको पोटेशियम कैसे कंट्रोल किया जाए, उनका फ्लूइड इंटेक कैसे मैनेज किया जाए, उसके बारे में सारी जानकारी दी। और उसके बाद पेशेंट्स के जो भी सवाल थे उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से उनको सिंपल लैंग्वेज में समझा के उनको एडवाइस दिया कि डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किडनी की मरीज़ जो हो जाता है उसके लिए भी कंट्रोल करना, और साथ में किडनी की बीमारी हो ही नहीं उसके लिए भी क्या प्रिवेंटिव डाइट में चेंजेस होने चाहिए, उनके बारे में जानकारी मिली। अपने देश में ये किडनी के मरीज जो हैं उनको बचाने के लिए, उनको डायलिसिस से निकालने के लिए अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो है किडनी ट्रांसप्लांट। आप बोलेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे किया जाए, तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, पेशेंट को डायलिसिस से निकालने के लिए हमको एक डोनर की ज़रूरत होती है। और ये सबको जानना ज़रूरी है कि जब हम जीवित हैं तब हम हमारी किडनी हमारे फैमिली मेम्बर को अगर ज़रूरत हो और अगर सब ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट सब अच्छे आएँ तो उनको हम हमारी एक किडनी जीवनदान दे सकते हैं। हमारी एक किडनी निकालने से हमको कोई शरीर में वीकनेस आ जाएगी या हम अपाहिज हो जाएंगे, ये समझना बिल्कुल गलत है। ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ने शायद अपने को एक किडनी स्पेयर में दी है और ये किडनी हम हमारे जीवन के दौरान भी डोनेट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स मरने के बाद हम सब ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करते हैं कि समझो मेरे केस में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा मरने के बाद मैं कम से कम 8 से 10 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता हूं उनको सारे ऑर्गन्स डोनेट कर करके। तो इसकी भी एक पूरी प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से हम सब ऑर्गन डोनर कार्ड साइन करके जब हम जीवित हैं तभी हम प्रण ले सकते हैं कि मेरे ऑर्गन्स यूटिलाइज किए जाएँ मेरे मरने के बाद। तो हमको सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें ऑर्गन डोनेशन के बारे में जब हम जीवित हैं और हमारे मरने के बाद, ये दोनों से काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा होगा और हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को डायलिसिस से बचा सकेंगे। और मरीज भी समझने लगे हैं, आप होम से आते हैं तो आपके बारे में लोग जानने लगे, यू नो सर।
बिल्कुल, नून हॉस्पिटल के मेरे का मेरा रिश्ता उनके साथ 6 से 7 सालों से यहाँ जो ट्रस्ट बोर्ड पे हैं जीनत नून मैडम, उनके साथ परिचय हुआ। और जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने रूरल एरिया में भी इतनी अच्छी सेवाएं, इतने अच्छे अस्पताल में जहाँ पे फैसिलिटीज़ कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल के लेवल की फैसिलिटीज़ यहाँ हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना काम और बढ़ा सकें, जितने ज़्यादा लोगों को हम सेवा दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है यहाँ पे। और इनके साथ मैं ट्रस्ट बोर्ड में भी जुड़ा हुआ हूँ लास्ट 3 से 4 साल से, तो जो भी मेरी सेवा और जो भी मैं उनको एडवाइस दे सकता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ हेल्प कर सकें, वही हमारी कोशिश है। और जैसे आपने बताया कि स्टेट स्कीम्स जो जारी हैं हेल्थ के एरिया में, वो बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो लोगों का जो समझना है कि गवर्नमेंट और सरकार अपने लिए कुछ नहीं कर रही, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में 26 स्टेट ऐसे हैं, 26 स्टेट जहाँ पे डायलिसिस बिलो पॉवर्टी लाइन और जो गरीब मरीज़ हैं उनको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से दिया जाता है। यस, ये सब स्कीमों में थोड़ी अड़चनें आती हैं, कभी कभी दिक्कतें होती हैं, पर ओवरऑल ये सब स्कीम्स काफ़ी लोगों को, गरीबों को खास करके मदद रूप हो रही है। थैंक यू सर।